हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ काजोल का ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक। और काजोल का ये लुक आपने देखा होगा, उनकी जो न्यू मूवी आई है तानाजी, तो उसमें उनका लुक कुछ इसी तरह का है। आज मैं यही लुक आपसे शेयर करने जा रही हूँ, तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये लुक कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं मैंने ये लुक कैसे किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपनी हेयर स्टाइल तो कर चुकी हूँ, और अब मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। और ये है मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र मॉइसॉफ्ट, इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी अच्छे से अपनी स्किन को। और इसके बाद मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। और हाँ गाइस, मैंने ये मेकअप लुक पॉन्ड्स बीबी क्रीम की हेल्प से किया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ पॉन्ड्स बीबी क्रीम, और सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और इसमें जो गाइज आप पोस्टर में इनका लुक देख रहे हैं, तो इसमें साड़ी का कलर वगैरह या आई शेडो का कलर इतने अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उन्होंने आईज़ उनकी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं इसमें। तो वैसे तो काजोल है ही बहुत सुंदर और मेरी फेवरेट भी है, लेकिन उनकी जो इसमें आईज़ है इस लुक में बहुत ही ज़्यादा शार्प लग रही हैं, उनके फीचर्स बहुत शार्प लग रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका ये लुक। और अब मैं अपनी आईब्रोज को स्पूली की हेल्प से कॉम कर लूँगी। और अब मैं ये जैकलिन हिल पैलेट से ले रही हूँ डार्क ब्राउन कलर का शेड, इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी, क्योंकि इसमें आईब्रोज जो है उनकी काजोल की वो काफ़ी डार्क दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। तो उनके फीचर्स को काफ़ी शार्प दिखाया गया है इस लुक में, तो मैं भी कुछ इसी तरीके से बस एक कोशिश कर रही हूँ उनकी तरह ये लुक करने की। और ये देखिए, मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है। और अब मैं पेंसिल की हेल्प से भी इसे और थोड़ा डार्क दिखाऊँगी अपनी आईब्रोज को, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक बार और मैं इसे ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा सेट कर लूंगी। नेक्स्ट मैं अपनी आईब्रोज को और थोड़ा डिफाइन करने के लिए इस कंसीलर की हेल्प से अपने आईब्रोज को इस तरीके से अच्छे से डिफाइन कर लूंगी, अच्छे से और शार्प दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मेरी आईब्रोज मैंने अच्छे से सेट कर ली है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का कंसीलर, और अपने डार्क सर्कल्स पर भी मैं ये कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। और अब मैं एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर से आपका आई शेडो भी काफ़ी देर तक आपकी आईज़ पर टिका रहता है, और आपके आई शेडो का कलर भी बहुत ही प्यारा लगता है इससे। नेक्स्ट मैं लैक में लूज़ पाउडर की हेल्प से अपनी बीबी क्रीम को भी सेट कर लूँगी, और अपने आईज़ को भी जो मैंने कंसीलर लगाया था उसे अच्छे से सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ये हिलेरी रोहुडा के इस पैलेट से ये ट्रांजिशन कलर ले रही हूँ, ये पीची ऑरेंज सा शेड है, और इसे मैं अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इस ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। अब मैं यही जैकलिन हिल पैलेट से डार्क ब्राउन कलर का शेड लूँगी, और इसे एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस तरीके से अपनी आईलिड पर लगा लूँगी। और इसे बहुत ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसमें काजोल की जो आईज़ का कलर दिख रहा है आई शेडो का, वो ब्राउन कलर ही दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने दोनों आईज़ पर लगा लिया, और हल्का सा इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने आई शेडो को और थोड़ा डार्क दिखाने के लिए ये मार्स आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर ले रही हूँ, और इसे भी मैं अपनी आईलिड पर लगाकर ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं लगा रही हूँ मेबेलिन का काजल, और इसी की हेल्प से मैं अपना आईलाइनर भी ड्रॉ करूँगी, और इसी की हेल्प से मैं काजल भी लगाऊँगी, क्योंकि काजोल का आप आईलाइनर जो देख सकते हैं वो बहुत ही अपर लैश लाइन के बिल्कुल नज़दीक करके लगाया हुआ है उन्होंने, और मतलब इस तरीके से लगाया है कि पता भी नहीं लग रहा कि उन्होंने आईलाइनर को लगाया हुआ है, तो बहुत ही पतला सा उन्होंने आईलाइनर ड्रॉ किया हुआ है। और मैं भी कुछ इसी तरीके से लगा रही हूँ। और हाँ, काजोल ने इस लुक में बिल्कुल भी मतलब फॉल्स लैशेस वगैरह ऐसी कुछ नहीं लगाया हुआ है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप लगा भी सकते हो और या फिर आप स्किप भी कर सकते हो, ओनली मस्कारा भी आप लगा सकते हो। और उनका काजल भी काफ़ी मोटा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं लाइनर उन्होंने बहुत ही पतला ड्रॉ किया हुआ है, और काजल उनका बहुत मोटा लगा हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये मैंने काजल लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर मेबेलिन का ही मस्कारा लगा रही हूँ। और अब मैं अपने फेस को कंटूर करूँगी।
और इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी इस कंटूर ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी के ब्लश पैलेट से ये डार्क पिंक कलर का ब्लश अप्लाई करूँगी। अब मैं इसी स्विस ब्यूटी पैलेट से हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। और अब मैं लगाऊंगी लिप लाइनर, और ये न्यूड ऑरेंज सा शेड है, तो इस तरीके से मैं पहले लिप लाइनर लगाऊंगी, उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। और काजोल ने भी बिल्कुल न्यूड सा शेड लगाया हुआ है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर मैक की लिपस्टिक लगा रही हूँ, और अब मैं लगाऊंगी बिंदी। और वैसे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ दोस्तों कि मैंने इस लुक के लिए स्पेशल मराठा जो नोज रिंग होती है वो ऑर्डर की थी। अब ये देखिए मैं ये ADS की लिक्विड लिपस्टिक लूँगी और इस पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगी कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब मैं ये नोज रिंग पहन लूँगी। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करते हैं आपको मेरा लुक पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। और हाँ गाइज मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर हेयर केयर DIY हेल्दी टिप्स शेयर किए हुए हैं, तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।